एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस पर्थन में क्या होता है, इनहेरिटेंस को आपको कायदे में समझा दूंगा मैं। हर चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको कई तरीके से समझा सकता हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म आपको बताऊंगा। इसके भी दो टाइप होते हैं, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, विद एग्जाम्पल, ऐसे ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले इनहेरिटेंस को समझ लेते हैं। और आपको ये सबसे पहले तो इसको थ्योरेटिकल मैं आपको समझा देता हूँ कि इनहेरिटेंस होता क्या है। दरअसल आपने कई बार हो सकता है सुना हो कि जो इसने ये चीज़ है यहाँ से इनहेरिट की है, ये जो हमारे यहाँ पे ये चीज़ है वो यहाँ से इनहेरिट की गई है, इस तरह से आपने सुना होगा। यानी कि वहाँ से कॉपी की गई है, कि इसने जो ये चीज़ है वहाँ से कॉपी की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कॉपी यदि सीधे कहा जाए तो कॉपी मेरे हिसाब से वो शब्द ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक ना। क्योंकि इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि कॉपी नहीं है, दरअसल वो वहाँ से इनहेरिट किए गए हैं। जैसे आपसे इसे ले लीजिए कि आपके में जो जेनेटिक फीचर्स हैं वो आपके पेरेंट्स से आते होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से प्रॉपर्टी का ले लीजिए, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में चलता रहता है ये क्रम, ठीक है ना। तो इस तरह से इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है, कि एक से फीचर जो है वो दूसरे में आ जाते हैं, कुछ फीचर जो है वो अपने जो अपने से बड़ा होता है उससे जो है ले लेते हैं। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सेम फंक्शन चीज यहाँ पे भी हम देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दो क्लास बनाएंगे। एक पहली क्लास में हम फंक्शन के माध्यम से कई सारे फंक्शन डिफाइन कर देंगे, जबकि दूसरी क्लास में हम क्या करेंगे, उसमें हम फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे, और जो भी फंक्शन की जरूरत पड़ेगी वो क्लास जो पहले बनाई थी उससे हम क्या करेंगे उठा लेंगे, ठीक है। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी क्लास में, ऐसे आप समझ सकते हो। तो जो क्लास जो इनहेरिटेंस है वो तीन चार तरह का होता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंगल इनहेरिटेंस को नहीं समझेंगे, सॉरी सिंगल इनहेरिटेंस को समझेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को समझेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल देखेंगे, तत्पश्चात हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस को नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ही हाई लेवल का हो जाएगा, फिर इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम तीन तक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और तनिक भयंकर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने उसी पे पाइचाम आईडी पे, ठीक है ना। पाइचाम आईडी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे किया जाता है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर के पाइथन फुल कोर्स में आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी, सही तरीका उसी में मैंने बताया हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक हमने जो है समय का दुरुपयोग ना हो, समय बच जाए, यानी कि अच्छा से समय का प्रयोग हो पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही बना के रखा है कोडिंग करके। यदि आपको अभी कुछ अजीब लग रहा हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सारा ये कोडिंग मैं आपको अभी क्लियर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास मैंने फोन नाम की बनाई, ठीक है ना। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ पिछले एपिसोड देख कर आए होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भौकाल इसमें नहीं लगेगा। एक हमने क्लास फोन नाम की बनाई, जबकि दूसरी क्लास हमने किसकी बनाई, सॉरी 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 जबकि हाँ जबकि हमने यहाँ पे दूसरी क्लास जो बनाई है वो बनाई है आईफोन की, ठीक है ना। तो एक क्लास हमने किसकी बनाई, फोन की बनाई, ठीक ना। इतनी बड़ी क्लास है फोन की, तो और इसमें मैंने जो फंक्शन कितने डिफाइन किए, दो डिफाइन किए, ठीक है ना। आप देख सकते हो क्लास फोन क्लास के अंतर्गत दो फंक्शन डिफाइन किए, लेकिन हमने जब क्लास सेकेंड बनाई आईफोन की तो उसमें मैंने क्या किया, सिर्फ एक फंक्शन रखा और बाकी जितनी जरूरत पड़ेगी हम ऊपर से उठा लेंगे, क्लास फोन वाली क्लास से उठा लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लास फोन को सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, उसमें मैंने फंक्शन बनाया क्या क्या है। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है ना। डिप क्यों लगाया जाता है, जब किसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं, किसी फार्मूले को डिफाइन करते हैं तो डिप से हम डिफाइन करते हैं पाइथन में, ठीक है। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर लगाया है इनिट करके, इनिट का मतलब ही होता है कंस्ट्रक्टर हम लगा रहे हैं, यानी कि इसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, ये सेल्फ देखिए ऑटोमेटिक अंदर रहता ही है। फिर मैंने क्या किया, इस फोन का ब्रांड और जो कॉस्ट है, ब्रांड और कॉस्ट हम इसको देंगे, फिर उसके बाद ये प्रिंट करेगा। तो हमने सेल्फ डॉट ब्रांड कर दिया, ब्रांड लिख दिया, सेल्फ डॉट कॉस्ट कर दिया, बराबर कॉस्ट लिख दिया। देखिए हम ब्रांड जो है फोन का हम यहाँ पे बताएंगे ब्रांड पे, और कॉस्ट जो है हम यहाँ पे बताएंगे, और फिर ये जो ब्रांड और कॉस्ट है ये यहाँ पे चली जाएगी, कहाँ पे, सेल्फ डॉट ब्रांड पे चली जाएगी। फिर जो कॉस्ट है वो कहाँ चली जाएगी, वो सेल्फ डॉट कॉस्ट में चली जाएगी। फिर इसी जो हम सेल्फ डॉट ब्रांड और सेल्फ डॉट कॉस्ट में जो आ जाएगी वैल्यू, ब्रांड से उठ करके सेल्फ डॉट ब्रांड में आ जाएगी। उसके बाद सेल्फ डॉट ब्रांड से हम क्या करेंगे, इसी का प्रयोग करके हम यहाँ पे रख देंगे, जिससे क्या होगा, जो ब्रांड का नेम है, ब्रांड नेम तो लिखा ही रहेगा क्योंकि यह स्ट्रिंग है, ये कॉन्कैटिनेट मुझे कराना है, तो ब्रांड नेम आगे लिख जाए और उसके बाद जो मैं वैल्यू दूँ उस सेल्फ डॉट ब्रांड करके जुड़ जाए उसके सामने आगे। तो ये चीज़ है। तो फिर मैंने दूसरा फंक्शन डिफाइन किया जिसमें मैंने सो फोन डिटेल नाम का बनाया, यानी कि जब मैं सो फोन डिटेल कहूँ तो ये फोन की सारी डिटेल प्रिंट कर दे और उसी समय मुझसे वैल्यू मांग ले ब्रांड और कॉस्ट की, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर दे। प्रिंट करने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कि सबसे पहले
जब ब्रांड का नाम लिखते समय उसके पहले लगा दो ब्रांड नेम, तो स्ट्रिंग के अंतर्गत हमने लिख दिया, कॉमा लगा दिया, और मैंने सेल्फ डॉट ब्रांड से उठा लिया कि जो नाम है, देखिए नाम जो ब्रांड है वो यहाँ पे दिया जाएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहीं से हमने क्या किया, सेल्फ डॉट ब्रांड उठा करके हमने यहाँ पे जोड़ दिया ताकि ये यहाँ पे उठा लिया जाए। तो समझ गए होगे कहाँ से उठाया गया है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट कर दिया है आई एम एन एंड्रॉयड ओएस फोन, ठीक है ना, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम फोन। तो फिर मैंने ऐसे ही मतलब प्रिंट करा दिया ताकि ये डिफरेंस लाए क्लास और आईफोन की क्लास में और फोन की क्लास में, तो इसलिए मैंने ये मैंने ऐसे ही अलग से लगा दिया, ठीक है ना। ब्रांड कॉस्ट हो ही गई। फिर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया पी नाम से, ऑब्जेक्ट ओबीजेपी नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये देखिए ये फोन क्लास का जो है ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो क्लास जो फोन की थी इतनी लंबी थी उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत रख दिया, यानी कि एक वेरिएबल के अंतर्गत स्टोर करवा दिया। वेरिएबल आप डब्बा समझ सकते हो। तो हमने ओबीजेपी नाम के एक वेरिएबल के अंतर्गत ये जो है सारा कुछ स्टोर करवा दिया फोन को, ठीक है ना, फोन क्लास को स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रांड और कॉस्ट इनकी वैल्यू दे दी। देखिए ब्रांड क्या हुआ, आईफोन सॉरी आईटेल विजन फर्स्ट, ये हमने ब्रांड का नाम दे दिया। उसके बाद ब्रांड का नाम चूंकि स्ट्रिंग था तो स्ट्रिंग के मैंने दो कोट लगा दिए। फिर मैंने क्या किया, 6500 वैल्यू दे दी, कॉस्ट दे दी यानी कि लागत दे दी। तो अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि आपको मतलब कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं इसे अभी कट कर देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, objp.show_phone_detदेखिए कॉल कैसे किया जाता, किसी फोन फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसका नाम ये होता है शो फोन डिटेल्स, ठीक है ना। जैसे मैंने देखिए ओबीजे पी में, चूंकि ओबीजेपी नाम के वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में क्लास जो फोन की क्लास है वो सारी स्टोर हो चुकी है, तो मैं क्या करूंगा इस फंक्शन को कॉल करने के लिए objp.show_phone_details जो है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं कॉल करके देखता हूँ, देखें क्या होता है। तो यहाँ पे कॉल रन, और यहाँ पे मेन को रन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने जो है, जो फोन की डिटेल ब्रांड नेम जो है, देखिए आईटेल विजन फर्स्ट, कॉस्ट कितनी आई 6500, IMN एंड्रॉयड ओएस फोन प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब हम देखिए वही चीज़ पेस्ट कर देंगे, और मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ क्योंकि अब मुझे दोबारा ये नहीं चाहिए obj.show_phone_details। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये फंक्शन में अब जब रन ये किया जाए तो ये काउंट ना हो, ठीक है। अब मैं उसी को प्रिंट कर मतलब पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने अभी कट किया था। फिर मैंने क्या किया, दूसरा क्लास बनाया आईफोन नाम का, उसमें मैं चाहता हूँ कि जितने भी आईफोन में फंक्शन ये यूज हुए हैं उनको क्या हो, ये आईफोन में भी आ जाए, यानी कि दोबारा मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने उसके लिए क्या किया, ब्रैकेट लगाया, आईफोन जो क्लास का नाम था वो मैंने लिख दिया। फिर मैंने एक फंक्शन इसमें डिफाइन किया कि शो आईफोन डिटेल, जब आईफोन की डिटेल्स मुझे निकालनी हो तो बस मैं ब्रांड और कॉस्ट दूंगा तो ये आईफोन की तरह से लिख के दिखा देगा कि ये देखिए आईफोन की डिटेल्स निकल आई। लेकिन फंक्शन को जो मैंने डिफाइन किया वो यहाँ पे किया था, और यहीं से ये उठा लेगा यानी कि इनहेरिट कर लेगा, आईफोन का जो क्लास है वो इनहेरिट कर लेगा, कहाँ से, वो ऊपर फोन की क्लास से। तो समझ गए होंगे आप लोग, शो फोन डिटेल्स IMN iOS फोन। और फिर मैंने क्या किया, ओबीजे आई नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने आईफोन क्लास का मैंने स्टोर करवा दिया। फिर आईफोन में जो नाम और जो कॉस्ट थी वो मैंने दे दी, $1500 है ये, दरअसल रुपये में समझ लेना। फिर मैंने क्या किया, obji.show_phone_details पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जैसे ही मैं शो फोन डिटेल्स पे किस पे शो फोन डिटेल्स पे मैं जैसे ही लिखूंगा शो फोन डिटेल्स, तो अभी मैं इसको शो फोन डिटेल्स करवाता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अभी देखिए obji.show_phone_details मैं जैसे ही करूँगा देखिए क्या होता है। तो obj.show_phone_details पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो देखिए क्या हुआ, ब्रांड नेम आईफोन प्रो आ चुका, कॉस्ट जो है 1500 आ गई। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा कि ब्रांड नेम और कॉस्ट तो हमने लगाई नहीं थी इस क्लास में, फिर इसको कैसे पता चल गया कि ब्रांड नेम और कॉस्ट इसकी मतलब ये शब्द लगाना आगे कैसे इसको पता चल गया, हमने तो इसको डिफाइन भी नहीं किया था कि ये लगा देना आगे। इसने जो उठाया है, इसने उठाया है ऊपर से, यहाँ से समझ रहे हो, यहाँ से उठा लिया यानी कि यहाँ से इनहेरिट कर लिया गया है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब आप में से जैसे आपने अभी देखा होगा तो मैं और आपको दिखाऊँ एक चीज़ कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे IMN एंड्रॉयड ओएस फोन लिख कर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए आ रहा है, अब इसको देख चाहो तो उसको आप एंड्रॉयड की जगह, क्योंकि वो ऊपर प्रिंट लगा है ना, तो इसलिए आ रहा है। अभी obji.show_iphone_details जब क्लिक करोगे तो ये जो है आईफोन का वो iOS लिखा देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए IMN iOS फोन प्रिंट कर दिया। तो ये होता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, आपको सिंगल इनहेरिटेंस मैंने आपको दिखाया। यदि आपको सारे कुछ करवाना हो तो ये कमेंट ऊपर वाली ये भी हटा दीजिए, तो दोनों की डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी। रन किया किया और रन मेन, और यहाँ पे देख लीजिए सारी डिटेल्स प्रिंट हो चुकी हैं दोनों फोन की, समझे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे।
अच्छा, एक अब मैंने ये सारा कुछ तो कर लिया। अब मैं आपको कोड यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने कोड लिखा क्या। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको टाइम मिल गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे। हम दूसरा आप क्या देखेंगे, मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का सिंपल सा यदि आप समझें तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मेन वन कहाँ गया, मेन वन हाँ मिल गया। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है मैं आपको दिखा दूं। इसमें दरअसल कुछ नहीं होता है कि अब देखिए मल्टी लेवल में क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा जब क्लास को हम इनहेरिट करते हैं और तो उसको मल्टी लेवल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने क्लास एस नाम से बनाई थी और उसमें मैंने डिफाइन किया था कि सो एस मैं जब भी कहूँ तो प्रिंट कर देना क्या, वेलकम टू इनोवेट इंडिया एस। जब मैं क्लास अपने मैंने क्लास बनाई पी नाम की जिसमें मैंने इनहेरिट किया है एस को, ठीक ना, एस क्लास को। और जब मैं सो पी कहूँ, सो पी को कॉल करूँ तो ये प्रिंट कर दे, सॉरी यहाँ पे सो पी मैं प्रिंट करवाऊँ तो हाँ अब ठीक है। तो जब भी मैं यहाँ पे डिफाइन मैंने देख यहाँ पे क्या इस पे कहा है कि सो पी जब भी मैं यहाँ पे कॉल करूँ तो ये प्रिंट कर दे वेलकम टू इनोवेट इंडिया पी, क्योंकि क्लास जो है वो पी है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनोवेट वेलकम टू इनोवेट इंडिया पी प्रिंट कर दे, ठीक है। लेकिन क्लास पी को जो है हमने इनहेरिट किया है, कहाँ से इनहेरिट किया है, एस क्लास से। फिर मैंने क्या किया है, क्लास जी बनाई है जिसको मैंने इनहेरिट किया है क्लास पी से। जब मैं सो जी को फंक्शन को डिफाइन कर दिया, जब मैं सो जी को कॉल करूँ तो वेलकम टू इनोवेट इंडिया जी प्रिंट हो। फिर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत मैंने क्या किया, जी को स्टोर करवा दिया, यानी कि जी जो क्लास है, चूंकि देखिए क्लास जी जो है एक तरीके से सबसे जुड़ी हुई है। आप देख लीजिए जो क्लास एस थी, क्लास एस को इनहेरिट किसने किया है, क्लास एस को इनहेरिट किया है क्लास पी ने, और क्लास 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 पी को जो इनहेरिट किया है वो किया है क्लास जी ने, समझ गए। तो अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट जो है उसको मैंने ऑब्जेक्ट के अंतर्गत मैंने जी को स्टोर करवा दिया, क्योंकि जी एक तरीके से सबसे जुड़ा हुआ है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट, अब इसी ऑब्जेक्ट के जरिए आप तीनों फंक्शन मतलब तीनों क्लास को आप कॉल कर सकते हो, सिंपल सा, तीनों क्लास की कोई भी फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट सो एस किया, यानी कि इसको मैंने कॉल कर सकता हूँ, जबकि देखिए ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हमने स्टोर किसको कराया है, जी को, यानी कि सिर्फ मैंने स्टोर इतना ही कराया है, चूंकि ये सारे दोनों तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए देखिए तीनों क्लास जो है सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाने से हमारे, चूंकि एक ऑब्जेक्ट जो हमने स्टोर करवाया उसे मैंने इतना स्टोर करवाया, लेकिन ये जो है इनको भी प्रिंट कर देगा। इनको क्यों प्रिंट कर देगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट के अंतर्गत स्टोर जो करवाया है वो करवाया है जी को, क्लास जी को, और ऑब्जेक्ट डॉट सो एस मैं करता हूँ तो देखिए इसको भी प्रिंट कर देता है, और ऑब्जेक्ट डॉट सो पी करता हूँ तो इसको भी प्रिंट कर देता है वेलकम टू इनोवेट इंडिया पी, जब ऑब्जेक्ट डॉट सो जी तो इसको तो कर ही देगा क्योंकि इसी का जब मैंने स्टोर करवाया है। तो देख लेते हैं इसको रन करवा करके एक बार जल्दी से, रन और मेन वन। तो यहाँ पे जो है आपके सामने देख सकते हो इन तीनों को प्रिंट कर दिया है, ठीक है, वेलकम टू इनोवेट इंडिया जी, वेलकम टू इनोवेट इंडिया पी, वेलकम टू इनोवेट इंडिया जी, सॉरी एस पी जी, ठीक है। तो तीनों यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं आपके सामने, एक एक करके तीनों को प्रिंट करवा दिया, जबकि मैंने सिर्फ जो है ऑब्जेक्ट के अंतर्गत सिर्फ क्लास इसको रखा था, लेकिन इसने ये कहाँ से सब उठा लिए, क्योंकि इनको इनहेरिट किया गया था, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पी ने इनहेरिट किया था एस को, जी ने इनहेरिट किया था पी को, इसी तरह से समझ सकते हो। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मेन टू, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। इसमें क्या होता है, इसमें दरअसल एक दूसरे से ना जुड़े होकर कोई दो क्लास किसी तीसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है। दो क्लास जरूरी नहीं कि मतलब कितनी भी क्लास हो सकती हैं, किसी एक क्लास से जुड़ी हो सकती हैं। क्लास एस है, क्लास पी है, तो मैंने क्या किया, इसको क्लास जी में दोनों को स्टोर करवा दिया। कैसे, देखिए मैंने क्लास बनाई एस नाम की, क्लास एस नाम की बनाई जिसमें मैंने सो एस को जब भी मैं कॉल करूं तो वेलकम टू इनोवेट इंडिया एस प्रिंट कर दे। फिर मैंने क्लास पी नाम की बनाई जिसमें मैंने सो पी फंक्शन को डिफाइन किया, जब मैं सो पी को कॉल करूं तो ये प्रिंट कर दे वेलकम टू इनोवेट इंडिया पी, जब मैं क्लास जी को कॉल करूं तो ये प्रिंट कर दे वेलकम टू इनोवेट इंडिया जी। लेकिन क्लास जी में जो है हमने दोनों को रखा है, मतलब इनहेरिट दोनों को कर लिया, यानी कि एक चाइल्ड है और दो पेरेंट है, यानी कि क्लास एस बी को एस को भी हमने रखा है क्लास जी में, और क्लास पी को भी मैंने इनहेरिट कर लिया, यानी कि क्लास जी में यदि आप देखें तो एस और पी दोनों को मैंने यहाँ पे इनहेरिट किया है। तो डिफाइन मैंने किया है सो जी जब मैं कॉल करूँ तो ये वेलकम टू इनोवेट इंडिया जी कॉल कर दे। फिर मैंने किया ऑब्जेक्ट के अंतर्गत मैंने जी को जो है
स्टोर करवा दिया। देखिए इतना ही मैंने स्टोर करवाया, लेकिन ये जो है इसको भी प्रिंट कर सकता है। ये इतनी जो फंक्शन डिफाइन किए, इनकी क्लास क्लास के फंक्शन को भी प्रिंट कर सकता है। फाइनली मैंने ऑब्जेक्ट डॉट सोजी किया, ऑब्जेक्ट डॉट सोपी सोएस किया, ऑब्जेक्ट डॉट सोएस किया, रन कर देते हैं, रन 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 रन। और यहाँ पे वेलकम मेन टू, और मेन टू करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने वेलकम टू इनोवेट इंडिया GSPG सब प्रिंट हो चुका है आपके सामने, समझ गए। तो ये होता है तीसरा आपने देखा। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया, तीनों हो गया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आप ऐसा समझें तो एक तरीके का जुगाड़ है, ठीक है। तो जुगाड़ है एक तरीके का, जिसमें आप क्या करते हो कि मतलब सीक्रेट तरीके से आप काम करते हो, मतलब आपको पता रहता है कि इसका फार्मूला क्या है, लेकिन दूसरा वाला यदि कुछ करेगा तो वो कर ही नहीं पाएगा, मतलब उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है, मतलब उसको समझ ही नहीं आएगा। तो देख लीजिए मतलब है कौन सी भला, तो ये भी देख लेते हैं। तो मेन थ्री, तो यहाँ पे देखिए हमने एक बनाया हुआ है इसका, बस सिंपल सा। तो ये सबसे पहले मैं देख लेता हूँ ओवर किसका कौन से, मैं यहाँ पे ओवरलोडिंग को देख करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो किसका करने वाला हूँ, ओवरलोडिंग को, ओवरलोडिंग सॉरी यहाँ पे ओवरलोडिंग नहीं, यहाँ पे ओवरराइडिंग का आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। सबसे पहले ओवरराइडिंग देख लेते हैं, ओवरलोडिंग को हम बाद में देखेंगे, अभी बताएंगे बाद के, मतलब तात्पर्य मेरा ये है। सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म में हम ओवरराइडिंग को देख लेते हैं कि ओवरराइड को कैसे, ओवरराइड कैसे मतलब ये है कि ओवरराइड किसी को कैसे किया जाता है। तो ओवरराइड है ना, तो समझो ओवरराइड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने जो कोड है वो लिखकर आ चुका है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बनाई इंडिया नाम की, मैंने उसमें डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर्स की सहायता से, इनिट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए होता है इनिट, ठीक है ना। इसे इनिट का मतलब मैं पिछले वीडियो बता चुका हूँ कि इनिट जब लगा कर कंस्ट्रक्टर लगा कर आप करते हो तो उसमें कॉल करने की नाम बुलाकर जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक वो प्रिंट हो जाता है। तो क्लास मैंने एक बनाई इंडिया नाम से, उसमें मैंने फंक्शन डिफाइन किया कंस्ट्रक्टर की सहायता से, सेल्फ इंडिया, सेल्फ डॉट इंडिया इज इक्वल टू इंडिया, क्लास कंट्री बनाई, फिर मैंने क्या किया कंट्री में जो इनहेरिट किया, कहाँ से इनहेरिट किया, इंडिया को इनहेरिट कर लिया, कंट्री में इंडिया को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने दो फंक्शन डिफाइन किए, जिसमें पहला फंक्शन में मैंने क्या रखा, डिफाइन किया सेल्फ इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर मैंने क्या किया, सुपर फंक्शन लगाया। सुपर फंक्शन क्या होता है, किसी को ओवरराइड करने के लिए, किसी को इग्नोर करने के लिए मैंने क्या किया, सुपर फंक्शन लगाया, डॉट लगाया, इनिट किया, कंस्ट्रक्टर का जो है वो लगाया, उसके बाद ब्रैकेट के अंतर्गत मैंने लिख दिया जिसको मुझे यहाँ पे ओवरराइड करना है, मुझे पाकिस्तान को ओवरराइड करना है। तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान जो है, इंडिया पाकिस्तान था, मैंने पाकिस्तान को हटा दिया है। सुपर फंक्शन का प्रयोग यही होता है कि जिसको आपको ओवरराइड करना है उसको हटा दीजिए, पाकिस्तान इसके अंतर्गत मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा, वही लिखा सेल्फ डॉट इंडिया इक्वल टू इंडिया। फिर मैंने क्या किया, दूसरा फंक्शन बनाया इंडिया पावर, और फिर सेल्फ ये लगा ही होता है सेल्फ सबके अंतर्गत। फिर मैंने क्या किया कि प्रिंट कर दो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इसके बाद जो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, सेल्फ डॉट इंडिया, ठीक है ना। और इसमें जो मैं वैल्यू दूंगा वही से प्रिंट कर देगा। खास बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि क्लास जो कंट्री है, क्लास इसको मैंने इनहेरिट किया है, कंट्री को जो मैंने इनहेरिट किया है कहाँ से, इंडिया से, समझ गए। इनहेरिट किया कहाँ से किया है, इंडिया से इनहेरिट किया है कंट्री को, देख लीजिए ब्रैकेट लगाकर मैंने इनहेरिट किया है। फिर मैंने क्या किया, आई जो है आई के अंतर्गत मैंने कंट्री को स्टोर करवा दिया, यानी कि क्लास जो कंट्री की क्लास थी उसको मैंने आई में स्टोर करवा दिया। करवाने के बाद अब यहाँ पे देखिए दो वैल्यू देनी पड़ेंगी। आप कहोगे दो वैल्यू देने की क्या जरूरत, जब तुमने पाकिस्तान को तो ओवरराइड कर दिया है तो इसको वैल्यू देने की क्या जरूरत है, जरूरत है, ठीक ना, जरूरत पड़ेगी, दोनों को वैल्यू देनी पड़ेगी। लेकिन ये पाकिस्तान चूंकि ओवरराइड हो चुका है तो इसको जो है इग्नोर कर देगा, और इंडिया की जगह पर जो आप वैल्यू दोगे वो सिर्फ पास करेगा। तो क्या समझे आप कि आपने सीक्रेट तरीके से ये बनाया है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जस्ट सोचो जरा, ये सोचो कि अगर यहाँ पे वैल्यू देने वाला कंट्री के अंतर्गत एक अगर वैल्यू देता, यानी कुछ भी वैल्यू दे देता, एक मतलब दो आर्गुमेंट पास ना करता, एक आर्गुमेंट देता, तो यहाँ पे क्या होता, वो चलता ही नहीं। क्यों नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे दो आर्गुमेंट आपको पास करनी पड़ेंगे, इंडिया की पाकिस्तान के लिए भी दो आर्गुमेंट आपको पास करनी पड़ेंगे। तो मैंने एक हीरो एक विलन पास कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दो आर्गुमेंट पास करनी पड़ेगी, लेकिन एक साधारण आदमी होता है वो समझ जाता कि एक ही देनी पड़ेगी और उसके बाद वो फंक्शन रन ही नहीं करता, ठीक होता है। सीक्रेट तरीका किसी को ओवरराइड करने का, कैसे ओवरराइड किया जाता है, अलग अलग तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हो। हालांकि मैंने एक एग्जाम्पल जस्ट मात्र लिया है, ठीक है ना, जो मुझे ठीक लगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हीरो और एक विलन। तो यहाँ पे हीरो पे कौन आएगा, इंडिया, और विलन पे कौन आएगा, पाकिस्तान। ये प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान को ओवरराइड करना है, लेकिन वैल्यू जो है मैं दो आर्गुमेंट पास करनी पड़ेंगी। फाइनली हमने क्या किया, आई डॉट इंडिया पावर को हम जब कॉल करेंगे तो प्रिंट क्या कर देगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कामा लगाकर सेल्फ डॉट इंडिया। सेल्फ डॉट इंडिया की वैल्यू हमने क्या दी है, सेल्फ डॉट इंडिया की वैल्यू दी है हीरो, एम आई राइट, और एम आई राइट।
तो फिर यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, आप इसको रन करवा देते हैं बिना बकवास किए। तो रन 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 और रन, और किसका मेन थ्री, तो यहाँ पर रन हमने करवा दिया। फाइनली यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी हीरो प्रिंट हो चुका है, ये बड़ा बड़ा, समझ गए, तो ये से जो है किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किसी को ओवरराइट कैसे किया जाता है, ये ओवरराइट का कॉन्सेप्ट होता है। और अब हम देख लेते हैं ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म की दूसरा जो है, पहला जो है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब इसमें भी यही होता है कि आप मतलब सीक्रेट तरीके से, बस आपको पता रहता है कि इसका फार्मूला क्या है, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं रहेगा कि इसमें दरअसल इसने किया क्या है, बकैती की क्या है, सिर्फ आपको पता रहता है, ठीक है ना। इसमें देखिए मतलब आर्गूमेंट आप जैसे ही बदलोगे, एक आर्गूमेंट करोगे तो कुछ चल जाएगा, दो आर्गूमेंट पास कर दोगे तो कुछ चल जाएगा, तीन आर्गूमेंट पास करोगे तो कुछ चल जाएगा, मतलब जितनी आर्गूमेंट बढ़ाओगे उतना फंक्शन चल जाएगा, कभी आपका एरर नहीं आएगा, यदि आप बनाने का लॉजिक ठीक होगा तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने आप करते जाओगे, जितना मतलब आप उसको अंतर्गत जितना रखोगे, जितना लंबा आप डिफाइन करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने दो ही आर्गूमेंट का रखा है, यदि मैं एक आर्गूमेंट इसके अंदर पास करूंगा तो भी रन कर जाएगा, दो दूंगा तब भी रन कर जाएगा, आखिर सारा माजरा क्या है, चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है, ये ओवर लोडिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसमें ओवरलोड हम करेंगे, समझ रहे हो, मतलब एक आर्गूमेंट पास करेंगे तब भी चल जाएगा, दो आर्गूमेंट पास करेंगे तब भी चल जाएगा, माजरा आखिर है क्या। तो मुझे ये बढ़िया एग्जाम्पल एक लगा, तो इसी को मैंने यहाँ पे उठा लिया है, ठीक है, इससे अच्छा आपको समझाने के लिए बढ़िया कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है एरिया नाम की, एरिया नाम की क्लास बनाई, फिर मैंने डिफाइन किया है फाइंड एरिया को, ठीक है ना, फाइंड एरिया को मैंने डिफाइन किया, यानी कि नाम जो है वो फाइंड एरिया है डिफाइन करने में, ठीक है, इससे कॉल किया जाता है इतना पता ही होगा, फिर ये सेल्फ तो ऑटोमेटिक लग ही जाता है बिना मूव उठाए। फिर उसके बाद मैंने ए लिखा, ए में मैंने नन कर दिया, बी में मैंने नन कर दिया, यानी कि वैल्यू कुछ भी नहीं है ए और बी की। फिर मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगाया, If a is not equal to none, यदि a जो है वो कुछ भी ना हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो मतलब क्या समझ रहे हो, कि a is not equal to none, यानी कि a में कोई वैल्यू देते तो रन करे, और यदि a में कोई वैल्यू ना दे तो वो रन ही ना करे, समझ रहे हो ना, मतलब उल्टे दिमाग से सोचो, a यदि none ना हो, a यदि कुछ ना हो तब ये चलना है लॉजिक, समझ रहे हो, यदि a कुछ भी ना हो, a यदि none ना हो तब ये लॉजिक चले। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, यदि इफ एज नॉट इक्वल टू नन एंड बी इज नॉट इक्वल टू नन, देन प्रिंट क्या करो, प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए इन टू बी, ए इन टू बी को प्रिंट कर दो, समझ रहे हो, क्या समझा आपने, कि यदि ए और बी जो है वो नन ना हो, यानी कि कुछ भी ना हो, मतलब कुछ उसकी वैल्यू हो, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, उल्टे तरीके समझाया गया है, यदि ए की वैल्यू कुछ हो, बी की वैल्यू कुछ हो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इन टू बी प्रिंट कर दो। फिर क्या किया गया है, फिर मैंने एलिप लगाया है, यदि 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 एक आर्गुमेंट पास की जाए, मान लो ए और बी जो दो आर्गुमेंट है उसको पास ना करके एक ही कोई आदमी यदि आर्गुमेंट पास करे, यदि ए आर्गुमेंट पास करे, मतलब ए आर्गुमेंट की वैल्यू, मतलब एक यदि वैल्यू दे दे, ए इज नॉट इक्वल टू नन, नन नहीं होना चाहिए, यानी कुछ नहीं वैल्यू पास करेगा तो रन ही नहीं करेगा, कुछ वैल्यू पास करनी चाहिए, यदि ए इज नॉट इक्वल टू नन, देन प्रिंट क्या कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए इन टू ए प्रिंट कर दो, यदि एक आर्गुमेंट कोई पास करे तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिंट कर दो, यदि दो बार आर्गुमेंट पास करे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट कर दो, क्योंकि ए बी दोनों मिल जाएंगे, यदि एक ही दे तो ए एक ही अगर देगा तो ए उसे मान लिया जाएगा, तो ए इन टू ए यानी कि स्क्वायर निकाल देगा, सिंपल रहता लॉजिक ये है। यदि कुछ भी ना दे यूजर तो क्या कर दो, वेलकम टू इनोवेट इंडिया एल्स लगा दिया है, समझ रहे होगे, सब पढ़ा चुका हूँ, सब पढ़ाया हुआ मेरा, इसलिए कहता हूँ ये एपिसोड देखने आए हो तो इससे पहले देखिए ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ये जो एरिया नाम की जो क्लास थी उसको मैंने स्टोर करवा दिया है, एरिया नाम की क्लास को ऑब्जेक्ट के अंतर्गत स्टोर करवा दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट की सहायता से ये जितने भी यहाँ पे मैंने डिफाइन किए हैं फंक्शन, इनको मैं कॉल कर सकता हूँ। तो फाइंड एरिया को मैं यहाँ पे डिफाइन, फाइंड एरिया को चूंकि मैंने फाइंड एरिया के नाम से डिफाइन किया था, तो फाइंड एरिया को मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट फाइंड एरिया, और इसके अंतर्गत मैंने देखिए ब्रैकेट के अंतर्गत मैंने कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया है, तो जब मैंने कोई आर्गूमेंट पास ही नहीं किया है यानी कि नन, और मुझे क्या चाहिए, इज नॉट इक्वल टू नन, तभी फंक्शन चलेगा, तो देख लीजिए एरर मुझे आ जाएगी, यानी कि आम आदमी होगा, देखिए कोड मुझे पता है सीक्रेट, सामने वाले को नहीं पता है कि इसके अंतर्गत लिखा क्या गया है, तो ओबीजे डॉट फाइंड एरिया करेगा तो देख लीजिए इसमें एरर आ जाएगी, ठीक है ना, देखिए एरर आ जाएगी, और यहाँ पे देखिए जो है मतलब एरर नहीं आएगी, सॉरी एरर नहीं आएगी, लेकिन उसके सामने एक लिख के आ जाएगा कि वेलकम इनोवेट इंडिया, ये लिख कर आ जाएगा वेलकम इनोवेट इंडिया, ठीक है, वो समझेगा हाँ हाँ सिंपल सा आया वेलकम टू इनोवेट इंडिया है ना, वो ये समझेगा। लेकिन यदि इसमें मान लीजिए कोई एक आर्गूमेंट पास कर देता,
यदि एक आर्गुमेंट पास करता है, जैसे मान लीजिए मैंने 5 आर्गुमेंट पास कर दी तो भी ये रन कर जाता। मतलब अजीब है ना, अभी तक इस तरह का नहीं पढ़ा था कि वैसे तो एक ही से प्रिंट होता था ना, लेकिन यहाँ पे देखिए एक आर्गुमेंट मैंने दे दी तो इसने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया 25, क्योंकि एक ही इसको आर्गुमेंट दी गई है। अगर यहाँ पे मैं 2 आर्गुमेंट दे देता तो भी ये रन कर जाता, और ये सीक्रेट सिर्फ मुझे पता है क्योंकि इसको डिफाइन मैंने किया है, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पे क्या क्या कर देगा, अब ये रेक्टेंगल निकाल देगा एरिया। तो यहाँ पे देखिए रन करता हूँ, रन रन रन, और यहाँ पे देखिए 6 5 जा 30, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसने यहाँ पे निकाल दिया है। इस तरह से सीक्रेट तरीके से, यानी कि ओवरलोड कर देता है, तो समझ रहे हो ना। तो इस कोड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया, इनहेरिटेंस बताया, इनहेरिटेंस के बाद फिर मैंने क्या आपको पढ़ाया, इनहेरिटेंस के मैंने बाद मैंने आपको जो है पॉलीमॉर्फिज्म बताया, जिसमें मैंने ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के एग्जांपल आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया, पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना ज़्यादा पसंद आए उतना ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा।